बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन से खाली हुई पुणे संसदीय सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के भीतर ही खटपट शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि ये तय है कि महाविकास अघाड़ी पुणे सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। हम बीजेपी के लिए पुणे की संसदीय सीट पर निर्विरोध चुनाव नहीं होने दे सकते। बीजेपी ने हमारे लिए कोई सीट निर्विरोध नहीं छोड़ी है। महाविकास अघाड़ी ने यह तय किया है कि अब जहां उपचुनाव होगा वहां उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। दूसरी तरफ एनसीपी के नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष अजीत पवार ने कहा, इतनी जल्दी क्या है? गिरीश बापट के निधन को अभी 3 दिन हुए। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है? महाराष्ट्र की एक सभ्य राजनीतिक परंपरा है। अगर हम अभी से चुनाव की बात करने लगेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? दूसरी तरफ पुणे की खाली हुई सीट के लिए होने वाले उपचुनाव बीजेपी निर्विरोध कराना चाहती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में उपचुनाव निर्विरोध कराने की परंपरा रही है। पुणे सीट का उपचुनाव निर्विरोध कराने के लिए वो दूसरे राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से मिलकर जल्द ही बात करेंगे। एक तरफ बीजेपी इस सीट पर निर्विरोध चुनाव कराने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर इस बात पर भी मंथन चल रहा है कि उपचुनाव में किसे उम्मीदवारी दी जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।